मेघनाद का वध लक्ष्मण ने ही क्यों किया, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया। जब इंद्रदेव ने रावण पर हमला करने का प्रयास किया तो मेघनाद अपने पिता की रक्षा में इंद्रदेव पर पलटवार किया और इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इसी जीत के बाद मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाने लगा। स्वर्ग से विजयी होकर लौटते समय मेघनाद इंद्रदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से इंद्रदेव को मुक्त करने का आग्रह किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले में मेघनाद को वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने अमृता का वरदान मांगा लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह किसी जीव के लिए संभव नहीं है। जब मेघनाद अपनी बात पर अड़िग रहा तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि अगर वह अपनी कुल देवी निकुम्भला की पूजा पूरी कर ले तो उसे एक दिव्य रथ मिलेगा जिस पर लड़ते हुए वह न तो पराजित होगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे केवल वही हरा सकेगा जो 14 वर्षों से नहीं सोया हो। यही वजह थी कि इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ, क्योंकि वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया था।